इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह पहुंचे चाचा नेहरू अस्पताल। चाचा नेहरू अस्पताल में चल रहा है डॉक्टर्स पर नर्स का प्रशिक्षण। कोविड की तीसरी लहर आती है तो बच्चों को कैसे दिया जाए उपचार, बच्चों को हार्ट ट्रीटमेंट देने से बचे डॉक्टर्स। कलेक्टर मनीष सिंह ने की MTH अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ की प्रशंसा। देखिए, जो आने वाली तीसरी लहर की जो संभावना बोली जा रही है, उसमें बच्चों को अगर मान से देखा जाए, न्यूनेटल बच्चे हों या 14 वर्ष तक के बच्चे हों, तो चाचा नेहरू अस्पताल का बहुत की रोल है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ट्रेंड हैं और अभी ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं जो आज मैं देखने आया था। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के और अन्य अस्पतालों के जो नर्सेज हैं जो बच्चों की केयर करेंगे और जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, जिसमें कि उनको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बच्चों का कोविड को लेकर क्या रहेगा वो भी दिया जा रहा है। प्लस जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं बच्चों के, वेंटिलेटर्स या मॉनिटर्स, उन सब के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है हैंड्स ऑन। ये था प्लस चाचा नेहरू में जो 100 बिस्तर का व्यवस्था की जाएगी कोविड के लिए बच्चों के लिए, वो वार्ड्स देखे हैं, उस वार्ड्स में PWD के काम में पेंडिंग है, तो PWD से बोल के उसको जल्दी कराएंगे ताकि समय रहते तैयारी पूरी हो सके।